chairperson. आप देखें मोटरवे का वाकया हुआ दो दिन पहले, मैं हुकूमत में होते हुए दिल से उसकी मादर वो मजम्मत करता हूं। एक वैशाना देखें, आप एक तस्वर करें कि अपने सीने पर हाथ रखें, क्या वो मेरी माँ बेटी बहन होती, मैं अपने सीने पर हाथ रखूं कि उसको घसीट के घाटी में ले जाके बच्चों के सामने उसकी इज्जत तार तार की जाती है। ये कौन सा माशरा इजाजत देता है, कौन सा मजहब इजाजत देता है? लेकिन आज देखें कि पूरी दुनिया उस पर हिल गई, करने वाले तो वैसी थे कर गए, लेकिन मैं ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहता हूं कि मेरा दिल रो रहा है। वो तो वो है, एक ख्वाजा सरा जो केपी में मारा जाता है ना, उस पर भी मेरा दिल रोता है। क्यों? आपको किसने हक दिया? ये वैसी लोग अगर इनकी मां बहन के साथ ये होता तो उन पे क्या गुजरती? मैडम चेयरपर्सन, आप तस्वर करें। मैडम मैं इस पे पता नहीं, शायद फिर मैं थोड़ा सा वो जज्बाती हूँ, शायद मैं ना बर्दाश्त कर सकूँ, शायद मैं गलत वो कर जाऊँ ना। बहरहाल ये जो सना करारदाद दल है, इससे किस कोई भी कोई जीरू जिसके पास ज़मीर है ना, वो औरत, वो माँ, वो बेटी, मैं जज्बात से थोड़ा सा, मेरी छोटी बेटी है 7 महीने की, मैं सुबह जब मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो माँ उसकी बड़ी वो जोर लगाती है, बेटी सोई हुई है, मैं उसको जगाता हूँ, वो उसकी मुस्कुराहट, वो उसकी वो हूँ हूँ करना ना, वो आपको इतना फ्रेश कर देते हैं ना कि मैं जानता हूँ ना। तो उसकी जगह पर बेटा अगर होता ना, मैं वो इंजॉय वो मैं खुशी ना, शायद मैं ना हासिल कर सकता जो मैं उस बच्ची से कर रहा हूं। मैडम मैं बहक जाऊंगा फिर खराब होता हूं, मैं दूसरी तरफ आता हूं। मैं तनकीद किसी पे नहीं करूंगा, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करता हूं। हमें 2 साल हो गए, 6, 7, 8 महीने तो ये कोरोना ले गया। अल्लाह ताला का करम है कि वो उसका सिलसिला भी पूरी दुनिया में ख़त्म होने लगा, बड़ी जानें ज़ाय हुई, बड़े अच्छे लोग ज़ाय हुए। आज वो कुर्सी खाली मुझे एक मेरा 40 साल 45 साल का जिसके साथ वास्ता था, आज वो कुर्सी मुझे ऐसे अजीब लगती है। फजल आगा साहब की सूरत में, सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन की सूरत में, सरदार दुर मोहम्मद नासिर की सूरत में, मैं जो मेरे साथ कुलीग रहे हैं सिलसिला रहा है, आप समझें कि हमें 1.5 साल मिला। मैडम चेयरपर्सन, तारीफ अल्लाह की होनी चाहिए जो खालिक है, मालिक है, राजिक है, सब कुछ है। मेरे कायद ने जरूर, वो वहां से तनकीद आती है, बिस्मिल्लाह जरूर उनका हक है। मेरा ख्याल है कि हेल्थ, एजुकेशन, अकलियत, खवातीन, मैडम चेयरपर्सन, 2013 और 2018 में मैं MPA था, वहाँ पे था, मैं गवर्नमेंट बनी इस नारे के साथ कि हेल्थ और एजुकेशन, शायद वो डिलीवर कर सके या नहीं, मैं आज तनकीद नहीं करूँगा, मैं किसी पर भी वो आवाम की अदालत फैसला करती है कि कौन खिदमत कर सका कौन नहीं कर सका। आज वो दौर गया, तकरीबन मर चुका है वो दौर, के आप ठप्पे लगा के ज़बरदस्ती आ जाएंगे जैसे माजी में होता था कि आप पूरे इलाके कब्जा करके ठप्पे लगा के इधर असम्बलियों में नुमाइंदगी जाहिर की जाती थी, वो नुमाइंदगी नहीं थी, वो ज़बरदस्ती था। अवाम की अदालत कहते हैं, जैसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, इसी तरीके से अवाम के कदमों के नीचे आपकी जो है ना सियासत है। अगर आप वाकई सियासतदान हैं तो आपको वो माँ की तरह अवाम के कदमों में आपको करना पड़ेगा।
हमारी हुकूमत आई, बहुत सारे मसाइल ले हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 19-20, अब 20-21 का तो फिलहाल 18-19, 19-20 ये बजट, मेरे दोस्तों ने भी कहा उसके कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने पूरा बजट रोक दिया या सिलसिला किया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर वो क्लियरेंस हो रही है और फैसला महफूज है, इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि कोई भी इस बलूचिस्तान का बासी चाहे वो कोर्ट में बैठा है या यहाँ, वो कभी नहीं चाहेगा कि तरक्की का अमल रुक जाए। मैडम स्पीकर, मैडम चेयरपर्सन, मैं ख्वातीन के कोटे से शुरू करता हूँ कि हमने सख्ती से, मेरे कायद ने, हमारी हुकूमत ने ये रोज़गार के सिलसिले में हर जगह पे 5% कोटा जो ख्वातीन का, हम उस पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब भर्तियों का अमल शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहता हूँ, मुमकिन है मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी गलतियाँ हों, या मेरे कुलीग से या मेरी हुकूमत से इसलाह ज़रूर करें, ये हमें मशवरे दें, अगर कहीं पे हम गलत हैं तो हमें रहनुमाई करें, ये इनका फ़र्ज़ बनता है, इनको आवाम ने भेजा है, ये ज़बरदस्ती नहीं है, ठप्पे लगा के नहीं आए, आवाम के वोटों से इधर आए हैं, हम भी वही प्रैक्टिस करके आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख्वातीन के कोटे पर, अकलियत के कोटे पर हम सख्ती से अमल करेंगे। एजुकेशन के हवाले से मैडम चेयरपर्सन, इस बजट में जितने भी ख्वातीन, खास करके ख्वातीन, जितने भी थ्रू आउट बलूचिस्तान गर्ल्स इंटर कॉलेज थे, हमने उनको बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो अपोजिशन के हलके में है या हमारे हलके में, हमने उसको डिग्री का दर्जा दे दिया। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मैडम चेयरपर्सन। इसी तरीके से हमारे हाई स्कूलों में हम अपग्रेड कर रहे हैं हाई स्कूलों को, हम नई पॉलिसी बना रहे हैं, जितने भी मिडिल स्कूल हैं हम चाहते हैं कि मिडिल की बजाय वो हाई स्कूल का दर्जा हो, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, ये एजुकेशन के हवाले से मैं कर रहा हूँ। मैडम चेयरपर्सन, मैं अपने हलके के हवाले से कहता हूँ कि इन दो सालों में जितना मेरे हलके में एजुकेशन, हेल्थ, इन सिलसिलों में, बाकी रोज़गार तो अभी इंशाल्लाह भर्तियाँ शुरू करें, कुछ शुरू हो गई, कुछ हो रही हैं, जितना मेरे हलके में इस मौजूदा हुकूमत के दौर में काम हुआ है, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हेल्थ के हवाले से मैडम चेयरपर्सन, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का परसों हमने कैबिनेट में कल वो उसको बोलान मेडिकल कॉलेज का दर्जा वापस बहाल किया हमने उसको, झालावान मेडिकल कॉलेज और लोरलाई मेडिकल कॉलेज को उसी के साथ तीनों को हमने यूनिवर्सिटी, ये जो आपकी है बोलान मेडिकल एंड साइंसेस यूनिवर्सिटी, इसके साथ वो कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें कोताही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ के हवाले से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, एक निज़ाम है मैडम चेयरपर्सन, उसको तब्दील होते होते टाइम चाहिए, 1.5 साल में आपके पास अगर वो जादू की छड़ी भी हो नहीं कर सकते आप, कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 2023 तक अगर ये असम्बलियाँ चली, ये सिस्टम चला, हमारी हुकूमत चली, हम जब हम अपना एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में जब जाएं तो सुरखरू हों, ये हमारी अपने अल्लाह से ये दरख्वास्त है। हमने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में टेली हेल्थ सर्विसेज बच्चों के लिए हमने शुरू कर दी, मेरे कायद ने बार बार, अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं मैडम चेयरपर्सन, के जो मेरे वज़ीर आला का ऑफिस है उसमें आप यकीन करेंगे, मेरे दोस्तों ने शायद देखा होगा कि वहाँ पे जो सीसीटीवी के वो टीवी लगा हुआ है कैमरे, उसमें हॉस्पिटल को भी उसने कैमरे करके, उसकी भी जब वो ऑफिस में बैठता है उसको भी देख रहा होता है कि हमारे हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल जा रही। और मेरा ख्याल है पिछले एतवार से आप
आप मवाजना करें कि कितनी दफ़ा मेरा चीफ मिनिस्टर इन हस्पतालों के दौरे कर चुका है और वहाँ पे जो हस्ब तौफीक अभी हम गरीब सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकज़ ने हमें इग्नोर किया, हमेशा इग्नोर किया, सौतीली माँ जैसा सलूक किया बलूचिस्तान के साथ, अब जाके हम थोड़ा सा आगे चल पड़े हैं। मेरी कुलीग बैठी हुई है डॉक्टर रुबाबा, हेल्थ के हवाले से हम इंसेंटिव दे रहे हैं डॉक्टरों को, लेडी डॉक्टरों को भर्ती कर रहे हैं, एडॉक पे भी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे करके हम जल्द से जल्द जितने डॉक्टर, खासकर डॉक्टर और कॉलेजेस के लेक्चरर और ये एसएसटी टीचर ये सारे हम ले आएँ।